सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो के रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में मैं आपको लातेहार जिले के बारे में बतलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लातेहार जिला जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, एक बहुत ही सुंदर जिला है। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस वीडियो को और अंत तक देखिए इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड के बहुत ही सुंदर और प्रकृति की गोद में बसे लातेहार जिला के बारे में। दोस्तों, झारखंड राज्य प्रकृति की असीमित खूबसूरती से युक्त है। यहाँ के जंगल, झरने और पर्वत पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। झारखंड के इन्हीं खूबसूरत देन में से एक है हमारा सबसे सुंदर लातेहार जिला। लातेहार झारखंड प्रांत के लातेहार जिला का मुख्यालय है। प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय लातेहार झारखंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को की गई थी। लातेहार मनोहारी जंगलों, खूबसूरत झरनों, विशाल खदानों और हरे भरे खेतों से भरा पड़ा है। इसके झरनों के पास पिकनिक मनाना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने के अलावा स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। प्रकृति ने लातेहार में अपने सौंदर्य को खुलकर बिखेरा है और झरनों के रूप में इसको अनमोल उपहार दिए हैं। यह सभी झरने बहुत खूबसूरत हैं और पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। झरनों के पास शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर जीवन के कुछ यादगार लम्हे बिताए जा सकते हैं। यह सभी झरने इतने खूबसूरत हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वह इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कांति, निचला घाघरी, साही, लोड, मिरचिया और ऊपरी घाघरी इसके प्रमुख झरने हैं। लातेहार का अधिकतर भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनकी आजीविका इन्हीं जंगलों से चलती है। अपने समाज की रक्षा करने के लिए महिलाएं पुरुष शिकारी भेष में शिकार करती थीं एवं लड़ाई लड़ती थीं। बाद में परंपरा के कारण 12 वर्षों के अंतराल पर पारंपरिक पुरुष वस्त्रों में महिलाएं जनी शिकार करने लगीं। अब यह परंपरागत पर्व के रूप में 12 वर्षों के अंतराल पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। लातेहार के निवासी आजीविका कमाने के लिए जंगलों में पाए जाने वाले फल पत्तों से खूबसूरत कलाकृतियां बनाते हैं। इन कलाकृतियों में बांस की टोकरियां प्रमुख हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती हैं। टोकरियों के अलावा वह महुआ के फूलों और केंदू के पत्तियों से भी अनेक कलाकृतियां बनाते हैं। यहां आने वाले अधिकतर पर्यटक इन कलाकृतियों को स्मृतिकाओं के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। लातेहार को इसके कोयले, बॉक्साइट, लैटराइट और डोलोमाइट की खदानों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह खदानें आकार में बहुत बड़ी हैं और लातेहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। पर्यटक चाहे तो इन खदानों को देखने जा सकते हैं। इन खदानों को देखने के बाद चियांगकी, कोयल व्यू पॉइंट और मैग्नोलिया पॉइंट घूमने जाया जा सकता है। यह तीनों बहुत खूबसूरत हैं और लातेहार के पर्यटन उद्योग की जान माने जाते हैं। आवागमन की बात की जाए तो लातेहार आने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं द्वारा रांची हवाई अड्डे तक पहुंचकर लातेहार काफ़ी आसानी से आया जा सकता है। रेल मार्गों के लिए लातेहार में गढ़वा रांची लाइन पर तोरी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। पलामू एक्सप्रेस, हटिया दिल्ली एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और शक्तिपुंज एक्सप्रेस से तोरी रेलवे स्टेशन तक पहुँचा जा सकता है।
सड़क मार्ग से भी लातेहार झारखंड की राजधानी रांची से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, लातेहार जिले की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर प्रेस करके आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां मैं संजीव रहूंगा मौजूद एक बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।